आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश और मेरा नाम है आजम अंसारी। आज क्रिकेट जगत से एक खबर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है कि भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का पति पत्नी का 8 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखते हुए आयशा कहती हैं, 2 बार तलाक होने तक मुझे लगता था तलाक एक गंदा शब्द है। 1 बार तलाक हो चुका था और दूसरी बार सब कुछ दांव पर लगा था, बहुत कुछ साबित करना था, इसलिए जब मेरी दूसरी शादी टूटी तो ये काफ़ी डरावना था। मैंने सोचा था कि तलाक एक गंदा शब्द है, लेकिन फिर मेरे 2 तलाक हो गए। जब मेरा पहला तलाक हुआ तब मैं डरी हुई थी, मुझे लगा जैसे नाकाम हो गई हूँ, मुझे लगा जैसे मैंने सबको नीचा दिखाया है और स्वार्थी जैसा भी लगा मुझे। मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता को निराश कर रही हूँ और अपने बच्चों को नीचा दिखा रही हूँ, और कुछ हद तक मुझे ये भी लगा कि मैंने ईश्वर को अपमानित किया है। तलाक काफ़ी गंदा शब्द था। आपको बता दें, शिखर धवन की तरफ से तलाक से जुड़ा हुआ कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। शिखर ने आयशा से साल 2009 में सगाई की थी और साल 2012 में दोनों ने धूमधाम से शादी रचाई थी, जिसके बाद उन्होंने 2 बेटियों और 1 बेटे को जन्म दिया। आपको बताते चलें कि आयशा शिखर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं, जिसके चलते धवन को काफ़ी ताने भी सुनने को मिले, लेकिन उनके परिवार ने उनका साथ दिया। मीडिया से कई बार बात करते हुए धवन ने यह भी बताया कि आयशा के आने से उनकी लाइफ चेंज हो गई है। शिखर और आयशा अपनी जोड़ी को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते थे। लॉकडाउन में शिखर ने आयशा के साथ कई वीडियोस भी शेयर की थीं। शिखर और आयशा का 8 साल पुराना रिश्ता टूट चुका है। आपको बता दें, ज्ञान कोश इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं करता, यह खबर सूत्रों के माध्यम से हमने आपको बताई है। अगर आयशा और धवन से जुड़ी कोई और भी खबर हमको मिलती है तो हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें ज्ञान कोश, और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले।